हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट का मेरा सब्जेक्ट चल रहा है और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। ये क्वेश्चन है सक्सेसफुल सेल्समैन, यानी कि एक अच्छा सेल्समैन के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या नेचर होना चाहिए, एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन कैसे बना जा सकता है, इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये तीन चार तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं कि सेल्समैन। रॉकेट सिंह पिक्चर देख रखी होगी, नहीं देखी है तो आज मत देखना, कल देखना, एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद देखना। काफ़ी अच्छी पिक्चर थी, उसमें सेल्समैन की जो क्वालिटीज़ बताई गई वही क्वालिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। क्या होना चाहिए, आप में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आपको सेल्स करना है तो सबसे ज़्यादा क्या है, कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग करने आपको आना चाहिए, ठीक है। मींस कि एक बार आपने जिसके साथ बात करी उससे फॉलो अप करना, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, मींस के उससे बार बार, अभी अपन ने प्रोसेस में देखा था कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बाद। फिर प्रिजर्वेंस होना चाहिए। प्रिजर्वेंस का मतलब आप इसको इस तरीके से मान लीजिए कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, या प्रिजर्वेंस का मतलब आप यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो। हमेशा ये सोचते रहें कि आगे वाला बायर, कोई भी व्यक्ति हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव बायर हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। MBA तो कर लिया आपने, लेकिन जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं, आपको मार्केटिंग में बहुत अच्छा बोलने को आता है, लेकिन यदि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप उस चीज़ों में कहीं भी टेक्निकल नॉलेज में अटक जाएंगे। जैसे कि आपको बोलने का बहुत अच्छा है, आपने कहा कि मैं कार की सेलिंग कर दूंगा, कार की सेलिंग करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन उसने पूछ लिया भैया कितने हॉर्स पावर की है, ठीक है, अच्छा कितने RPM पे चल रही है, क्या है इसका इंजन, कितने हॉर्स पावर का है, कितने RPM का है, ठीक है, इसकी जो कह सकते हो कलर की शेडिंग है इसमें क्या डिफरेंस है, ऑटोमेटिक के अंदर और गियर बॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिक अगर उनको चीज़ें नहीं पता हमको तो हम दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल जो पर्सन होगा, जो आइडियल पर्सन होगा, एक गुड सेल्समैन होगा, वो प्रोडक्ट का नॉलेज रखेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, इसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके चलेगा। इसके साथ उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए, यानी कि उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए, और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड मींस कि उसका टारगेट उसको पता होना चाहिए कि इतना मेरे को अचीव करना है। और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि जब पानी में कैसे अडेप्टेबिलिटी होती है, जिस बर्तन में डालो वैसा शेप हो जाता है, ऐसे ही अडेप्टेबिलिटी नहीं, लेकिन यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि जिस नेचर, जिस एटमोसफियर में वो जाएगा उसमें बात करेगा। यदि उसका कोई क्लाइंट सोफिस्टिकेटेड, यानी कि आप कह सकते हो अपर लेविश क्लास का है, जो इंग्लिश स्पीकिंग से है और नेटिव इंग्लिश स्पीकर है, तो वो उससे इंग्लिश में बात करे। और अगर उसका कोई क्लाइंट डोमेस्टिक रीजन से या रूरल बैकग्राउंड इंडिया से आ रहा है, जो प्योर हिंदी बात कर रहा है, उस वो उससे हिंदी में बात करे, तो दैट इज मीन एज अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि अगर वो उसको हिंदी में बोलेगा, इसमें एक VIP पिक्चर आई थी, VIP 2, काजोल और मैं उस हीरो का नाम भूल रहा हूँ, धनुष शायद से उनका नाम है, उनकी बड़ी एक शानदार पिक्चर थी VIP 2, जिसमें उन्होंने अडेप्टेबिलिटी अपना जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करा था, तो एक रिच बिजनेसमैन को अपना जो प्रोजेक्ट है काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया था, तो दैट इज़ ये वाली बात आ गई। इसके अलावा एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए, मीन्स कि आपको आपके क्लाइंट के बारे में उसकी भी बात सुनना चाहिए, कि उसकी भी नीड का आपको पता होना चाहिए, उसके भी ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करने आने चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। इतने प्रोडक्ट को इतने टाइम के अंदर आपको सेल कर देना है, एक बायर से, एक कस्टमर से आपको 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट फिक्स कि इतने मिनट ही बात करनी है। अगर इसके बाद ग्रेवियंस रह जाता है तो बात करनी, वरना आपको नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिंग बायर पर जाना होता है, और कंटिन्यूस लर्निंग और इम्प्रूव करता रहे, खुद की इंप्रूवमेंट करता रहे, कंटिन्यूस लर्न करता रहे। तो एक जो नॉर्मल एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एक सेल्स पर्सन के अंदर, अगर मैं याद करने का बोलूं तो देखिए, अब इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो यहाँ मिस है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, अडेप्ट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, यहाँ पर कौन कौन से, गोल ओरिएंटेड हो गया, एनालिटिकल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात हो गई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनर हो गया, और प्रिजर्व पॉजिटिव माइंडसेट हो गया, और प्रोडक्ट का वास्तविक नॉलेज होना चाहिए। यही 8-10 पॉइंट है, बार 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 घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरे को लगता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कल के पेपर में आने के। तो देखते हैं कल के पेपर में क्या होगा, लेकिन अभी तक तो मेरे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे साथ फिर से जुड़िए। जय हिंद।